इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। हमारे बॉस को सिंपल बात समझ में नहीं आती है, क्या बात कर रहा है? फिर तूने क्या बोला? फिर उरुचरी, पता है बॉस का क्या, अपनी मिस्टेक करेगा ना तो उसको मिस्टेक नहीं लगती है, और हम गलती करते भी नहीं फिर बोलते तुम्हारी गलती है। अभी तेरे साथ क्या हुआ था पिछली बार, याद है परसों तूने बोला था ना बॉस को कि आपकी गलती है, तुम ऊपर गया था यार, यार तो मेरी गलती नहीं है, और हमने कितनी मेहनत करी थी उसमें यार, फिर भी नहीं माना वो, है ना? ऐसे ही करता वो, इसलिए मैं तो बोल रहा हूँ तूने सही किया बॉस को बोल, इस बार मेरे साथ भी ऐसा होगा ना, मैं भी बोल दूंगा बॉस को भाई आपकी गलती है, हम बार बार आपकी गलती को अपने क्यों माने, है ना? मानते कि नहीं मानते? देखो याद है उस दिन क्या हुआ था? देखो दरवाजा खोलो। एग्जैक्टली सही बात बोला तूने। पिछली बार मैंने पार्टी दी थी पर तो तुझे ऐसा होता है कि नहीं होता है? चल ठीक, देख कल 7 बजे मिल रहा हूं तुझे पार्टी के लिए, पक्का ना मुगरियो मत। चल रखता हूं अभी। देखो मैं कब से दरवाजा खोलने को बोल रही हूं, सुनाई नहीं देता? देखो तुम शांत हो जाओ, हाँ गुस्सा मत करो, अभी मैं काम करो, तुम बैठो, आओ बैठो यार, आओ बैठो बैठो, आओ शांत हो जाओ, ये देखो चाकू, इधर लो पानी पी लो। अरे तुम जाके दरवाजा खोलो। हाँ खोलता हूँ दरवाजा, खोलता हूँ, तुम जाओ। शायद दरवाजा खोलने में देर हो गई थी तो चला गया होगा, कोई नहीं है बार मैं आता हूँ, कुछ काम है मुझे। सुबह पता नहीं किसका मुंह देखा था जो इससे पाला पड़ गया, अगर ये आ गई तो पीछे पड़ जाएगी, निकल लो। सब्जी ले लो सब्जी। ये सब्जी वाला मेरी बहुत अनसुनी करके चला गया, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। रुक रुक, सब्जी ले लो। देखो दीदी जी, हम आपको सब्जी नहीं बेचेंगे, आप बिना बात के चिल्लम चिल्लाहट करती हैं। अच्छा मैं चिक्की हूं? देखो आप अभी भी तो गुस्सा ही हो रही हैं। हाँ, क्योंकि तुम जैसे लोग गुस्सा दिलाते हो। बिना बात के गुस्सा क्यों चढ़ा रही हैं? हम आपको सब्जी नहीं देंगे। बहुत अकड़ है ना तुझमें, अब मैं तेरी अकड़ निकालती हूँ, रुक मैं बताती हूँ। छोड़ो मुझे, होश में आओ, ये क्या कर रही हो तुम? संभालो अपनी पागल बीवी को, संभालो इसे। नैना होश में आओ, ये क्या कर रही हो तुम? घर चलो चलो चलो।
ना, संभालो अपने आप को, शांत रहो, बैठो बैठो यार, बैठो बैठो हमसे। हाँ ऐसा कैसे चलेगा, तुम ऐसे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती हो। अच्छा, उसने उसने तुम्हारी पत्नी की बेइज्जती की, मेरी बेइज्जती की, और तुम उल्टा मुझे ही समझा रहे हो। देखो नाना, बात को समझो, अगर उससे कुछ हो जाता तो। हाँ मैं सब समझती हूँ, ये तुम इतने फट्टू क्यों हो नैना? तुम ना मर्द ही नहीं हो नैना। नैना तमीज से बात करो। क्यों, सच सुनने की हिम्मत नहीं है? हाँ सच तो यही है ना कि तुम्हारी वजह से मैं मां नहीं बन सकी। मैं जानता हूं कि इस समय तुम बहुत गुस्से में, इसलिए मैं तुम्हारी बातों को नजरअंदाज कर रहा हूं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। नैना अपने गुस्से पर प्लीज काबू रखो, वरना कहीं किसी दिन तुम्हारे गुस्से के चलते कोई हादसा ना हो जाए। हाँ नैना, मुझे काम से बाहर जाना है, थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ उठो, आराम से। हाँ बैठो बैठो बैठो। हाँ ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? पता नहीं बेबू, मुझे इतना गुस्सा क्यों होता है? आज तो मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं कह दिया गुस्से में। नैना तुम्हारे गुस्सा करने की आदत बढ़ती जा रही है। बेबू विभू, मैं पागल नहीं हूँ। विभू मैं अपने गुस्से पे काबू कर सकती हूँ। विभू हाँ नैना, हाँ मुझे तुम पर पूरा भरोसा है।
विभू। हाँ आया। ये नैना, आजकल बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। इस्तेमाल के बाद लाइट पंखा एसी बंद कर दिया कर। तुमसे जरा भी मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती ना। कुछ पल के लिए मैं थोड़ा सा खुश महसूस कर रही थी और मुझे अब गुस्सा दिला रहे हो। नैना, I'm sorry। देखो मेरा वो मतलब नहीं था नैना। अच्छा ठीक है, मैं संभाल लूंगा। ओके ओके। माँ माँ प्रणाम। क्या बात है, इतनी सुबह फोन किया? सब ठीक तो है ना? बहुत दिन हो गए बेटा तुम दोनों से मिले हुए, इसलिए हमने सोचा कि हम ही आ जाते हैं तुम लोगों से मिलने। अरे वाह, बहुत अच्छा माँ, प्रणाम। नैना, परसों माँ और पापा आ रहे हैं। ठीक। नैना देखो, बात दरअसल ये है कि माँ और पापा तुम्हारे गुस्सेल स्वभाव के बारे में नहीं जानते हैं। अच्छा होगा ना हम ये बात उनके सामने नहीं आने दे। बिबू, मैं बहुत देर तक अपना गुस्सा नहीं कंट्रोल कर पाती हूँ। नैना बस एक हफ्ते की बात है, वैसे भी पापा लखनऊ से दूर एक हफ्ते से ज्यादा रह नहीं पाएंगे। नैना क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते प्लीज? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच। लो अरे पहले तुम खाओ, चलो नाश्ता ठंडा हो रहा है, चलो इधर आओ। जूस दूं? आप लोग आइए ना। आइए। अरे मम्मी, मैं आपके पांव छुनाई भूल गई। कोई बात नहीं बेटा, दीदी ना तू तो भलो। अरे बहू, ये तुमने सर पे पल्लू नहीं लिया? ये तो हमारे घर के संस्कार नहीं है बेटा। बहू, सर पे पल्लू लेने की कोई जरूरत नहीं है, हर चीज में टोका टाकी करने की कोई जरूरत नहीं है ना। पर हमारे जमाने की बात अलग थी, आजकल की कोई भी लड़की सर पे पल्ला नहीं लेती है। बहू, तुम्हें जैसा अच्छा लगता वैसे रहो, इनकी बात का बुरा मत मानो। जी माँ जी। बिबू, वो फाइल देना बेटा। जी बाबा। लो बहू, अब कुछ दिनों के लिए इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। ये क्या है पापा? वो दरअसल तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, ये हॉस्पिटल की फाइल, अब टाइम टू टाइम इन्हें दवाई देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ, इन्हें मेथी से एलर्जी है, इस बात का ध्यान रखना। जी पापा। है ना, तुम सबके लिए चाय बनाओ, मैं भाग कर जाता हूँ समोसे लेकर आता हूँ। पापा यहाँ के समोसे बहुत फेमस है, आप खाओगे तो मजा आ जाएगा। मैं लेकर आता हूँ। मैं नहा के आ जाती हूँ। बहू। जी पापा। कोई मुझे बताएगा कि इस घर में दिवाली क्यों मनाई जा रही है? मैं कुछ समझी नहीं।
पिछले महीने का बिजली का बिल तुम्हारा 8,000 रुपए आया है। अभी मैंने देखा घर के अंदर पंखे लाइट सब चालू है, मैंने खुद जा के बंद किया है। ऐसे कैसे चलेगा बहू? जी पापा जी, मैं आगे से ख्याल रखूंगी। माँ जल्दी आइए, समोसे ठंडे हो रहे हैं। हाँ हाँ। मैं ही भाव से समोसे बनवा, इतनी देर में तो बहू ही घर में बना देती है ना। अरे भाई, समोसे बनाना इतना आसान काम नहीं है, बहुत सारी तैयारियां करनी होती है, बहुत मेहनत लगती है। बहू वो वॉशिंग मशीन में थोड़े से कपड़े थे ना, मैंने अपने कपड़े भी डाल दिए और मशीन चला दी। क्या उसमें मेरी शिफॉन की साड़ी थी, ये क्या कर दिया आपने? उसे मुझे अलग डिटर्जेंट में धोना था। मेरी साड़ी माँ, पापा मैं आता हूँ। मेरी साड़ी। नैना तुम शांत हो जाओ। प्लीज तुम शांत हो जाओ। महंगी साड़ी ला दूंगा तुम्हें। वो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगी, मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगी। अच्छा ओके ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं माँ और पापा को कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जाता हूँ, तुम अपने आप को शांत करो। ओके प्लीज चिल्लाना मत, माँ पापा बाहर बैठे सब सुन लेंगे। प्लीज 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 जाना, कंट्रोल करो। मैं ऑफिस के काम से बहादुरगढ़ जा रहा हूँ, वहाँ पर शिवजी जी का प्रसिद्ध मंदिर है, तो आप दोनों भी साथ चलिए। नहीं बेटा, मैं बहुत थक चुका हूँ, वैसे भी ट्रेन के सफर ने मेरी कमर टेढ़ी कर दी, मुझसे नहीं होगा। भगवान के दर पे जाने के लिए मना नहीं करते बेटा, हम चलेंगे। लो अब हाई कमांड ने ऑर्डर दे दिया है तो मना कैसे कर सकता हूँ, चलो। नैना भी चलेगी? नहीं मां, नैना घर पे ही रहेगी, उसे हम सबके लिए खाना जो बनाना है। मैं बैग लेके आता हूँ अपना। ठीक है। पता नहीं नैना ने घर का क्या हाल किया होगा। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है? नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं, सब ठीक है। आइए चलिए। आइए। ये बिल के हॉस्टल पता नहीं पापा, ये तो दरवाजा भी खुला हुआ।
में इतना अंधेरा क्यों? बाहर तो लाइट आ रही है। पर ये लाइट को हो क्या गया? पता नहीं पापा, स्विच तो सारे ऑन किए मैंने। मैं नैना से पूछती हूँ। नैना, नैना, ये लाइट को क्या हुआ? मैंने फ्यूज निकाल दिया। पर क्यों? क्योंकि आप सब लोगों को मेरे लाइट चलाने से बड़ी दिक्कत है ना, तो मैंने सारे घर की बिजली बंद कर दी। अब बैठो अंधेरे में। मेरे साथ चलो। ये क्या तरीका है? हाँ, जाओ जाकर वापस फ्यूज लगाओ। हमारे पापा चाहते थे कि मैं बिजली बचाऊं। अब जब बिजली बचा रही हूँ तो सबको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? नैना, तुमसे तो बात करना ही बेकार। बताओ कहाँ रखा है फ्यूज? हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, बहू को हमसे किस बात की नाराजगी है? नाराज मैं कैसे हो सकती हूँ? नाराज होने का ठेका तो आपने लेके रखा है। एक तो आपने मेरी फेवरेट साड़ी बर्बाद कर दी, और इन्हें तो लगता है कि मैं तो कोई जिम्मेदारी लेने लायक ही नहीं हूँ। बस नैना, बहुत हो गया। तुम्हारी बदतमीजी और बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। अगर तुम हमारी किसी बात से नाराज हो तो खुल के बताओ। हमारा इरादा तुम्हारा दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था। इस मंदिर में भी हमने तुम्हारे लिए पूजा की थी ताकि तुम्हारी गोद भर जाए, इस घर में भी खिलकारियां गूंजे। पूजा मेरे लिए नहीं, अपने बेटे के लिए करवाइए, क्योंकि कमी मुझ में नहीं, कमी आपके बेटे में है। चाहिए तो टेस्ट रिपोर्ट्स देख लो, रखी है। विभु कहाँ जा रहे बेटा तू? जरा भी शर्म नहीं आती ना? अरे लाज लिहाज है कि नहीं? अच्छा तो मैं प्रॉब्लम हूँ? हाँ, तुम दोनों को मुझसे इतनी प्रॉब्लम है ना, तो इस प्रॉब्लम को मैं जड़ से खत्म कर देती हूँ। We'll be right back.
इस मुसीबत को मैं जड़ से खत्म कर दूंगी। बहू, हमारे किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं माफ कर दो प्लीज। बेटा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा कुछ भी मत करना और हम लोग आज के बाद तुमसे कुछ भी नहीं कहेंगे। हाँ बेटा, हम वादा करते, बस इस बार के लिए माफ कर दो प्लीज। विभू का फोन तो अभी भी बंद आ रहा है। सब बहुत हो गया, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। आप होश में तो हैं? आपने देखा नहीं नैना के तेवर क्या कर रही थी वो, फिर भी आप चाहते हैं कि हम यहाँ रहें? हाँ, क्योंकि ये घर जितना नैना का है उतना ही हमारे बेटे विभू का भी है। पता नहीं कब से इस अत्याचार को सह रहा है। हमें तो बल्कि यहाँ रह के उसका साथ देना चाहिए, पर मिला। हाँ, शायद सही कह रहे, मुझे विभू की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं, कहते हैं क्रोध एक स्थिति है जिसमें जुबान मन से ज्यादा तेजी से काम करती है। अर्थात इंसान जब गुस्से में होता है तो वो अपना आपा खो देता है और फिर उसकी सोच, उसके दिमाग और उसके शब्दों पर उसका नियंत्रण नहीं रहता और इसी वजह से एक क्रोधी इंसान के दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा बनते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे गुस्से ने एक परिवार को हमेशा हमेशा के लिए तबाह और बर्बाद कर दिया। नैना बहुत क्रोधी स्वभाव की महिला थी, इसलिए उसका कोई दोस्त नहीं था। मोहल्ले के सारे लोग उसे दूर रहना पसंद करते थे। नैना के स्वभाव का दंश पिछले कई सालों से उसका पति विभू झेल रहा है। नैना के स्वभाव के बारे में उसने अपने परिवार वालों को कुछ नहीं बताया और विभू की यही गलती एक बेहद संगीन जुर्म का कारण है। बजरा उसका फोन स्पीकर पे रखो ना। हेलो हेलो बेटा, कहाँ हो तुम? सारी रात सोए नहीं है हम। ऐसे कोई घर छोड़ के जाता है क्या बेटा? ये शादी करके मैं बुरी तरह फंस गया हूँ पापा। बेटा परेशान मत हो, हम हैं ना तेरे साथ, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। नहीं माँ, माँ अब कुछ भी नहीं हो सकता है। माँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। ऐसे कोई हिम्मत आता है क्या? हाँ अच्छा पहले बताओ कि तुम कहाँ पर हो? मैं पार्क में बैठा हूँ माँ। ठीक है, तुम वहीं रुकना, हम आते हैं तुम्हारे पास। हाँ ठीक है, चलते हैं हम। हाँ बहू, ये तुमने सर पे पल्लू नहीं लिया? ये तो हमारे घर के संस्कार नहीं है बेटा। बहू, वो वॉशिंग मशीन में थोड़े से कपड़े थे ना, मैंने अपने कपड़े भी डाले और मशीन चला ली। क्या? उसमें मेरी शिफॉन की साड़ी थी, ये क्या कर दिया आपने? मेरी फेवरेट साड़ी बर्बाद कर दी और इन्हें तो लगता है कि मैं तो कोई जिम्मेदारी लेने लायक ही नहीं हूँ। बस नैना, बहुत हो गया, तुम्हारी बदतमीजी अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं।
झूठे बुट्टी की वजह से मेरा बिब्बू मुझे छोड़ के चला गया, मुझसे नफरत करने लगा वो। इन दोनों को मैं ऐसी सजा दूंगी, जिंदगी भर याद रखेंगे। नैना शुरू से ऐसी नहीं थी, समय के साथ उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। नैना से डर के ऐसे जी भी तो नहीं सकते, इस तरह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटा। नहीं पापा, बहुत देर हो चुकी है, मैं नैना से पूरी तरह हार चुका हूं अब। बेटा भले ही तुमने हार मान ली है, पर हम नहीं मानेंगे। नैना को रास्ते पर लाने के लिए एक तरीका है मेरे पास। जिस तरह खोलते हुए पानी में प्रतिबिंब नजर नहीं आता, उसी तरह क्रोध की स्थिति में सच दिखाई नहीं देता। नैना पर हर वक्त गुस्सा इस कदर हावी रहता था कि उसे सच्चाई का अंदाजा होना ही बंद हो गया था। अक्सर गुस्से का शिकार इंसान अपने गुस्से को जायज साबित करने के लिए दूसरों को दोष देता है, क्योंकि वो अपने अंदर की खामियों को देखना ही नहीं चाहता, और इस तरह वो इंसान नकारात्मकता के दुष्चक्र में फंसता चला जाता है। नैना भी अपनी गलतियों को ना मानकर हमेशा दूसरों को दोष देती थी। क्रोध और उससे पनपते नकारात्मक परिस्थितियों का ये दुष्चक्र नैना और उसके परिवार वालों को एक खतरनाक जुर्म के आग में झुलसाने वाला था। माँ, आप यहाँ? तुझसे बात करनी है धारा। क्या हुआ माँ? रत्ती भर भी तुझमें अकल है कि नहीं है? क्यों अपना अच्छा खासा घर बर्बाद करने पर तुली हुई है तू? विभू से ज्यादा प्यार करने वाला पति तुझे कहीं नहीं मिलेगा। तूने उसे घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया। जब से मेरे सास ससुर आए हैं, मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, हर बात पे कमी निकालते हैं। तो तू चुपचाप सुन लेना। अरे कौन सा वो यहाँ जिंदगी भर रहने के लिए आए हैं? नहीं माँ, मुझसे ये सब सहन नहीं होता। गलती मेरी है। बचपन में ही जब तू गुस्सा करती थी ना, मुझे तुझे तभी रोकना चाहिए था, पर आज तेरे गुस्से के कारण मेरा घर टूटने के कगार पर है। बेटा, तुम्हारे ससुराल वाले जो कह रहे हैं वो मान ले, और माफी मांगने से तुम छोटी नहीं हो जाओगी, पर तुम्हारा घर भी बस जाएगा। ठीक है माँ, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ, बाहर ही खड़े हैं, तुम उनसे माफी मांग लेना। मम्मी पापा, मुझे माफ कर दीजिए, आप लोग जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। बहू, ये तो अच्छी बात है कि तुम पिछला सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो, है ना? अच्छा भाई साहब, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बहन जी। नाश्ता करके जाना ना। नहीं नहीं, घर पर बहुत सारा काम पड़ा है, फिर कभी आऊंगी आराम से। ठीक है। अच्छा बहन जी, ध्यान रखना। हाँ, मैं आप लोग के लिए चाय बनाऊं? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। बहू, इस महीने बिजली का बिल 9,500 रुपए आया है, अब से बिजली ध्यान से यूज करना। अगले महीने का बिल आधा आना चाहिए, ठीक है? जी पापा। अरे बहू, ये तुमने सर पे पल्लू नहीं ली? ये तो हमारे घर के संस्कार नहीं है बेटा। बहू, वो वॉशिंग मशीन में थोड़े से कपड़े थे ना, मैंने अपने कपड़े भी डाल दिए और मशीन चला दी। पिछले महीने का बिजली का बिल तुम्हारा 8,000 रुपया है, ऐसे कैसे चलेगा बहू? बस नैना, बहुत हो गया, तुम्हारी बदतमीजियां बहुत बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। हाँ, इन्हें मेथी से एलर्जी है, इस बात का ध्यान रखना। बेटा, तुम्हारे ससुराल वाले जो कह रहे हैं वो मान ले,
और माफी मांगने से तुम छोटी नहीं हो जाओगी। माफी तो मैंने अपनी माँ के दबाव में आके मांगी है। इस बुढ़े बुढ़िया को ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि ये दिन याद रख के इनकी रूह कांप उठेगी। बुढ़ी, तुझे मेथी से एलर्जी है ना? ये ले, मेथी का। अरे नीम की दवाई गई बुढ़े के खाने में। अब देखो इसे कैसे दिन में तारे दिखाती हूँ। ये लीजिए मम्मी जी, आपकी फेवरेट पनीर की सब्जी बनाई है। और पापा जी, आपके लिए आपकी फेवरेट दाल। हाँ बेटा, तुम भी हमारे साथ खाना खा लो अब। नहीं नहीं, आप लोग खाइए ना, मैं बाद में खा लूंगी। बढ़िया बनी। ये लीजिए। मम्मी तुम ठीक तो? ये खाने में मेथी तो नहीं मिली? पता नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हारी दवाई लेके आता हूं, रुक। मेरे सर क्यों चकरा रहा है? वो क्या है ना पापा जी, आपके खाने में थोड़ी सी नींद की दवाई मिलाई थी ताकि आप चैन की नींद सो जाओ और मैं सासू माँ को थोड़ा सा सबक सिखा सकूं। मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे दवाई ला दो। आपकी दवाई आपके कमरे में है ना? चलो चलते हैं। चलो 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 दवाई दे। चलो ये सब सांस नहीं आ रही। तुम लोग जब से इस घर में आए हो मुझे भी इसी तरह की घुटन महसूस हो रही है। ये दवाई तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। प्रमिला की मदद कर लीजिए। चलो चलो करो, चलो वो आ जाएगी नहीं तो। चलो मैं तो तुम्हारे लिए ये लाई थी, पर तुम तो बड़ी सख्त जान निकले।
लेकिन अब तुम दोनों इस कमरे से बाहर नहीं जा सकते। हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। ये लाइट को चली गई। था ना ससुर जी, ये आपका ये शौक भी पूरा कर दिया। देखो हम दोनों को बाहर जाने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी मैं। मैंने क्या कुछ नहीं किया, मैंने कितनी कोशिश की कि सब कुछ ठीक रहे, लेकिन हर बात पे मुझे टोका गया, हर बात पे मेरी कमी निकाली गई। देखो तुम समझ नहीं रही हो, प्रवीणा को डॉक्टर के पास ले जाना, चलो प्रवीणा। चल। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको फोन किया था, मैंने अपनी बहू का खून किया, मुझे आप गिरफ्तार कर लीजिए। सुनो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर चलो। और आप हमारे साथ चलिए। नैना का गुस्सा एक गहरे अवसाद की निशानी था और समय के साथ साथ उसकी हालत बिगड़ती चली जा रही थी और अंततः वो अपने गुस्से की आग में जलकर भस्म हो गई। नैना के हत्या के जुर्म में उसके ससुर उत्तम पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा अदालत में विचाराधीन है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना को टाला जा सकता था अगर वक्त रहते विभु नैना के परिवार वालों को और अपने परिवार वालों को नैना के बारे में बताया होता तो, लेकिन उसने शर्म और परिवार की लिहाज के कारण ये बात बताना उचित नहीं समझा। बहुत गुस्सा आना गिरते मानसिक स्वास्थ्य की निशानी है। इसका मतलब यह है या तो वो इंसान तनाव में है या फिर किसी बात को लेकर वो बहुत ही परेशान है। इसलिए हमें अपने परिजनों के साथ खुलकर बात करनी चाहिए और अपने गुस्से को नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ, मिलेंगे एक सच्ची घटना के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज़।